कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग द चाहन फैमिली में आप सबका स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 बज गए हैं और हम आ गए हैं अपने घर लालढांग। तो हमने वैसे आना था 6 तारीख में आना था हमने, लेकिन आज हम 4 में ही आ गए क्योंकि ना कल भाई का जो पेपर था 5 तारीख को, वो ना उसका जुलाई में चला गया। मतलब 5 जून में पेपर था, वो उसका पेपर चला गया 7 जुलाई पे, पीछे चला गया। तो इसलिए फिर अब जो अगला पेपर है वो 15 में है, तो काफ़ी गैप था बीच में। तो हमने कहा चलो लालढांग होके आते हैं, इसलिए हम लालढांग आ गए। आइए मम्मी जी। हेलो। बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ मम्मी जी को। और बस कुछ नहीं, हम यहाँ आए और पता क्या हुआ, आज ना ये जेमू वालों के जो ड्राइवर रहते हैं ना, जेमू वाले ड्राइवर और कंडक्टरों के फिर नखरे स्टार्ट हो गए। वो ना लालढांग वालों को बिठा ही नहीं रहे हैं। और हमें भी, हमने पहले एक गाड़ी छोड़ी, हम 12:30 बजे निकल गए थे रूम से, पहले हमने एक गाड़ी छोड़ी, हमने कहा चलो कोई नहीं दूसरी गाड़ी में तो बिठाएंगे। पर दूसरी गाड़ी में भी वो ऐसी, मतलब पहले उन्होंने हैदराबाद वाले भरे और उसके बाद तो हम पूरे कोरदार से यहाँ तक हम खड़े खड़े आए। बाद में उन्होंने लालढांग वालों को कहा कि हाँ अब चढ़ जाओ, जब पूरी सीट भर गई। अब इनके फिर से नखरे स्टार्ट हो गए कि लालढांग वालों को नहीं बिठाना और हैदराबाद वालों को बिठाते हैं, बस ये पता नहीं क्या करते रहते हैं। अच्छा तो हम यहाँ आए तो यहाँ ना काम छेड़ रखा है। पीछे हमारे घर के पीछे वाली दीवार पे ना वो था, मतलब प्लास्टर नहीं था, इंटी की थी ना, प्लास्टर करा रहे हैं। लाइट चले गई क्या? देखो लाइट चले गई, मोटर लगा रखी थी और लाइट चले गई। तो यहाँ देखो ये पाइप ना यहाँ से सीधे छत में पहुँचा रखा है। और भाई वही तो भाई जा रखा था पीछे, मतलब प्लास्टर हो गया पीछे। अच्छा प्लास्टर हो गया पीछे, अभी मैंने देखा भी नहीं ना कैसा हुआ। अब जाऊंगी थोड़ी देर में। तो भाई पानी, मतलब तराई करने जा रखा था और लाइट ही चले गई, मतलब ऊपर तो पानी क्यों पहुँचता नहीं, तो मोटर लगा रखी थी और तो पाइप लगा रखा था यहाँ से। और देखिए मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए यहाँ पर ना भिंडी बोई थी मम्मी ने और कुछ चौलाई के बीज डाले थे, तो भिंडी तो एक भी नहीं हुई। हाँ मुझे तो एक भी नहीं दिखाई दे रही भिंडी, और चौलाई कितनी हो गई। चौलाई और मरसू भी बोलते हैं इन्हें। ये देखिए चौलाई हो रखी है, भिंडी तो हुई नहीं। मम्मी कह रही है अब बरसात की भिंडी लगाएंगे, तब अगर वो होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे। कुछ होता तो है नहीं वैसे, लिख कराने की चौलाई तो हो गई अच्छी खासी है ना। मुझे सबसे अच्छी हरी सब्जी में चौलाई की सब्जी लगती है, टेस्टी लगती है। तो अब चलते हैं छत में, देखते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब क्या काम हो रहा है। अभी हमने देखा नहीं है, हमें तो आज ही पता चला कि काम छेड़ रखा है यहाँ। और लाइट चली गई है तो थोड़ा अंधेरा हो रहा है, और पहले बरामदा सेट कर देते हैं जरा। हम अभी आए ना तो हमारे बैग वगैरह सब ऐसे पड़े हुए हैं, तो पहले मैं इन्हें सेट कर देती हूँ और तब चलते हैं छत में। तो अभी मैंने सुंगा दिया है पूरा बरामदा, ये देखिए ठीक कर दिया है, सेट कर दिया है। अब चलते हैं छत में, देखते हैं क्या हो रहा है। लाइट बंद करती हूँ पहले, बैक कैमरा खोल देती हूँ, फ्रंट कैमरा बेकार हो गया। ओ, ये तो रेत हो रखा है छत में। तो ये देखिए पूरा काम। और ये देखिए सारा सामान फैला रखा है, रेत बजरी। आज का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है कि बस ऐसा लग रहा है कि, मतलब ना गर्मी सी हो रही है, शायद आंधी आ सकती है ऐसा सा फील हो रहा है। बाकी बादल तो साफ हो रखे हैं, लेकिन बहुत गर्म हो रहा है यहाँ, कोटद्वार से ज़्यादा गर्म हो रहा है। कोटद्वार में थोड़ा ठंडा है, शाम के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है, यहाँ गर्म है।
तो अभी बज गए शाम के 6 और हम आ गए नीचे। मम्मी तो अभी छत पे ही है और मैं खा रही हूँ प्रसाद। ये देखिए बैक कैमरे से दिखाते हैं, फ्रंट कैमरा बिल्कुल बेकार हो गया फ़ोन का। ये देखिए ताई जी आई थी ना हमारे, मतलब पड़ोस में ही है, तो उन्होंने रोड काटा होगा ना, तो तब ये प्रसाद है। तो ये प्रसाद मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रसाद। ये मतलब आटे का हलवा है और ये रोट है, पराठे टाइप का मतलब थोड़ा। तो अब देखते हैं कि खाने में क्या बनाते हैं अब रात के खाने में। पहले मम्मी को नहीं जाने देते हैं छत से, तो मम्मी बताएगी क्या बनाना है, फिर करते हैं, तब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो अभी बज गए 8:30 और हमने चूल्हे में रखी है सब्जी। चूल्हे में रखी है भिंडी प्याज की सब्जी और बस मम्मी जी ऊपर बर्तन धो रही हैं। दिखाई नहीं दे रहा यार हमारा ना किचन का जो एक बल्ब था ख़राब हो गया था, मैंने पहले व्लॉग में भी आपको दिखाया और अभी तक लगाया नहीं है। वो ये वाला बल्ब, ये वाला जो बल्ब है ना, इसका उजाला सिर्फ चूल्हे चूल्हे में ही आता है, मतलब इधर उधर बहुत कम आता है। और अभी हमारा काम चलाऊ चल रहा है तो भाग, हाँ वही तो जरूरत ही नहीं है इसलिए। और यहाँ पे आटा अच्छा ठीक है, तो और यहाँ पे ना आटा अभी रखा हुआ है, अब इसे ठीक करते हैं मतलब और गोलते हैं और तब रोटी डालते हैं चूल्हे में। सब्जी पकी रही है, मम्मी जी देखो ऊपर मम्मी जी बर्तन दिखा रही है मम्मी की, मैं बर्तन धो रही हूँ। और आज इतनी गर्मी हो रही है बस बहुत ज़्यादा। तो अभी बज गए हैं 9 बज गए हैं और हमने डिनर बना लिया है, भिंडी की सब्जी और रोटी बना लिया। और ना काफ़ी गर्मी हो गई थी किचन में, तो इसलिए हम जा रहे हैं छत में थोड़ी ठंडी हवा लेने के लिए। पीछे मम्मी जी भी आ रही हैं। क्या ठंडा ठंडा फील हुआ है। और देखिए चांद, आज पूर्णिमा है क्या, फुल मून है ना आज, कितना खूबसूरत लग रहा है। नहीं तो जूम करने के बाद ब्लर हो जाता है कैमरा। तो अभी बज गए थे 9:45 और हम छत से नीचे आ गए थे और उसके बाद हमने डिनर निकाल लिया था। तो ये देखिए सब कर रहे हैं डिनर और आइए आप सब भी हमारे साथ डिनर कीजिए और भिंडी की सब्जी और रोटी खाइए और हम भी अब डिनर करते हैं, तब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और अभी बज गए हैं 9:45 और अब मैं बना रही हूँ लंच। मम्मी ने ना आज पानी क्या लिया, एक मतलब कपड़े धोने का सरफ है वो, लेकिन ना वो जेल टाइप का है, फेरी वाला आ रखा था कोई मतलब बेचने वाला, तो मम्मी उसे ट्राई करके देख लेगी। 60 रुपये का लिया वो, पता 60 रुपये का आधा किलो लिया वो। मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे। मैंने कढ़ाई रख रखी है चूल्हे में, कढ़ाई भी गर्म हो रही है। ये देखो एक कपड़े ले जा रही ना मम्मी धोने के लिए, ये है पन्नी में, ये ना जेल है, ये देखो पिचक भी रहा है, तो इसे बल थोड़ा सा घोलना है पानी में और झाग बन जाता है, ऐसे बोला ना उसने। मम्मी ट्राई करके देखेगी कैसे धुलते हैं उससे कपड़े, मतलब सब ले रहे थे हमारे मोहल्ले में मतलब, तो मम्मी ने कहा कि चलो हम भी ट्राई करके देखते हैं कि क्या है ये, अगर अच्छा रहा तो ठीक है, अगर नहीं रहा तो कोई बात नहीं। कितने का लिया मम्मी ने, आधा किलो 60 रुपये का। अरे यार क्या पता, छोड़ो ले लिया। अब हम तो
तो अब मैं बना रही हूँ। यहाँ पर रखी है मैंने तोरी की सब्जी काट के, तोरी और प्याज, और चूल्हे में रखी है कढ़ाई। तो तोरी की सब्जी और भात बनाना है आज लंच में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं खाना बनाना। कढ़ाई गर्म हो गई है चूल्हे में रखी। एक 15 हो गए हैं और लौकी बोल रही है, तोरी की सब्जी पक रही है, मतलब पक गई है, बस उसे निकाल के चावलों का प्रेशर कुकर रखना है चूल्हे में। तो उसे रखते हैं चूल्हे पे। और यहाँ पे मैंने निकाल दिया थोड़ा सा आटा, आटा गूंथती हूँ रोटी बनाने के लिए, भाई के लिए आज रोटी बनानी है। और रोटी मैं गैस में डालूंगी क्योंकि मुझसे चूल्हे में रोटी बनती नहीं है। आज भी मैंने सुबह चूल्हे में बनाई रोटी, लेकिन मैंने आज पराठे बनाए क्योंकि मुझसे रोटी पकती नहीं है चूल्हे में, तवाई कच्ची रह जाती है। तो इसलिए बाकी सब बाकी सारी चीज़ें तो मतलब बनी जाती है चूल्हे में, बस रोटी नहीं बनती। तो इसलिए मैं रोटी गैस में बनाऊंगी। और चावल बन रहे हैं, सब्जी बन गई है, बस मिलते हैं रोटी बनाती है फटाफट। कब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो देखिए हमारा लंच रेडी हो गया है। तो आइए आप सभी हमारे साथ लंच कीजिए और तोरी भात खाइए। और यहाँ पर तो सब खाने लग गए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो अभी बज गए हैं शाम के 5 और यहाँ ना मौसम बहुत ख़तरनाक वाला हो गया है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और ये देखिए चारों तरफ से ना काले बादल आ गए हैं और बस अभी पड़ती है बारिश, ऐसा लग रहा है। और काफ़ी अंधेरा हो गया है तो बारिश बस पड़ने ही वाली है। और बाकी मतलब बीच ही बीच में हो रखा है काला बादल है, और बाकी इधर उधर पूरा साफ लगेगा आपको आसमान, बीच बीच में ऐसा लगेगा कि बस बीच ही बीच में है काला बादल। तो काफ़ी प्यारा भी लग रहा था, लेकिन अंधेरा हो गया था तो हमें पता था, मतलब पता चल गया कि हाँ बारिश अब पड़ने ही वाली है, बस थोड़ा टाइम जा रहा है। और बाहर ना रेत और बजरी आ रखी थी। तो जैसा आपको पता ही है कि हमारे घर के पीछे मतलब काम चल रहा है, पीछे वाली दीवार पे प्लास्टर हो रहा है, तो हमने रेत और बजरी मंगा रखी थी। लेकिन हमने देखा कि मौसम ख़राब हो रखा है तो इसलिए हम उसे ना अंदर रखने लगे, क्योंकि बाहर जब बारिश पड़ती है तो सड़क में पानी हो जाता है। तो अगर ज़्यादा पानी हो जाता तो फिर रेत बह जाता ना थोड़ा, हमने फिर उसे अंदर सारने लग गए, मतलब अंदर रखने लग गए यहाँ पर। और हम ना बस ये रेत बजरी अंदर रख ही रहते हैं। तो बाहर ना छोटे छोटे बच्चे हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, और ये ना बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। तो इन्होंने कहा कि मतलब मम्मी ने कहा इनसे कि चलो हमारे साथ रेत रखवाओ अंदर। और ये एक ही बारी पे कहने पर इन्होंने कहा कि आंटी हम रखवाएंगे और सब के सब आ गए। तो ये भी हमारी हेल्प करने लग गए।
और पापा जी ने इनके तसले में मतलब थोड़ा थोड़ा ही रख रहे थे, मतलब ताकि ज़्यादा वजन भी ना हो ना, छोटे छोटे बच्चे हैं अभी वो, तो वो भी हमारे साथ रेती डलवा रहे हैं और अभी हम डाल ही रहे हैं, मतलब बारिश आने से पहले पहले डालते हैं, हम यही कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं भाई से पानी भरने के लिए कह रही थी क्योंकि लाइट जा रही थी ना बार बार, मौसम ख़राब हो रहा था। अब देखिए धीरे धीरे मतलब तेज़ हवा भी चलने लग गई है, तो फिर लाइट का पता नहीं रहता ना कि कब आएगी कब जाएगी, और पानी भी फिर नहीं आता जब लाइट नहीं आती, तो इसलिए हम भाई से कह रहे थे कि तू इतना पानी भर ले, क्योंकि भाई ने रेत अंदर नहीं रखवाना था ना, उसके पाँव में चोट लग रखी है, उसका पाँव मुड़ गया था ना सुबह। ये हमारा काम पूरा भी नहीं हुआ था, बारिश पड़ने लगी और बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगे थे। ये देखिए मम्मी ना ओले एक ओला गिरा, तो हमें ना यकीन ही नहीं आ रहा था कि ओले गिर रहे, क्योंकि उसमें कमी गिर रहे थे ना, तो फिर मम्मी दिखाने के लिए लाई, देखो ओले पड़ रहे ओले पड़ रहे तो यहाँ पे मम्मी ओले ही दिखा रही है। हाँ। कितना बचा हुआ अभी? नहीं वो सारा भी। और यहाँ बारिश पड़नी स्टार्ट हो गई है और साथ में ओले ही पड़ रहे हैं, और हमारा काम अभी हुआ ही नहीं है, अभी रेत सारना बाकी है। तो अभी बहुत तेज बारिश पड़ने लग गई है और बहुत ज़्यादा ही ओले पड़ रहे हैं, देखिए बहुत ही ज़्यादा ओले पड़ रहे हैं, और हमारा ना काम अधूरा रह गया है, सड़क में बहुत सारा रेत बाकी है, अब वो सारा ऐसे बह जाएगा अगर इतनी तेज़ बारिश पड़ती रही तो। तो हमने आधा तो साल लिया है यहाँ पे रख दिया है, लेकिन आधा भी आधे से ज़्यादा थोड़ा बचा है, ओला कहाँ गिरा। और तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, और ये देखिए और अंदर तक बारिश आ रही है। ये देखिए ओले अंदर तक गिर रहे हैं, ये देखिए ओले अंदर तक आ रहे हैं। कोई पानी भर लिया? हाँ पानी वैसे, हाँ ये देखो कितने सारे ओले गिर गए। तो अभी तो बारिश पड़ ही रही है और हम पी रहे हैं चाय, मम्मी जी और पापा जी भी चाय पी रहे हैं। तो आइए आप सब भी हमारे साथ चाय के मजे लीजिए बारिश में, देखिए। और आज के ब्लॉग को यहीं पकड़ते हैं एंड।
अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं जल्दी अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।